हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र, और इस प्रश्न पत्र के हम प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ 30 है, ध्यान रखिएगा। सीरीज़ 30 अगर आप सारे प्लेलिस्ट में देखेंगे, जैसे कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में, तो आप कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो वीडियो पे ऐड आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे स्किप मत किया करिए। तो यहाँ से है क्वेश्चन, इसमें कुल 75 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा है? तो किसने ये स्टेटमेंट दिया है, यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। तो ऐसा कहने वाले थे रांके। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम जो झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं पैसरा से, जहाँ तक है यही होगा। और एक ऑप्शन ये भी मिल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 4 ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो जो इसमें से सही नहीं हो रहा है वो होगा ऑप्शन 3, उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। जो सही नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये सही नहीं हो रहा है, बाकी सभी सही है। सही वाले देख लेते हैं। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग था, बिल्कुल सही है। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, ये भी सही है। नंबर 4 कहता है, उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट हो रहा है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचय तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है, सिंधु तथा हिंद कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है, ये करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, ऋग्वेद में कुंभा क्रुमु गोमल नदी के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहा कि इंडो आर्यन का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा AR दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अभिलेखों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे क्रम में हमें लगाना है, तो चलिए क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा बोगज कोई अभिलेख को, नंबर 1 पे हम रखेंगे। इसके बाद रखेंगे डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, नंबर 2 पे। फिर इसके बाद हम रखेंगे डेरियस का पेरिप्लस अभिलेख, नंबर 3 पे, और डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, नंबर 4 पे। फिर से देखते हैं, बोगज कोई अभिलेख, फिर डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, डेरियस का पेरिपोलिस अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था की ऐतिहासिक प्रमाणिकता होती है? तो जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता होती है वो हो जाएगा स्वप्नावदत्ता। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें काल के क्रम के अनुसार इसे
व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो हम रखेंगे वो रखेंगे सिकंदर का पेरिप्लस पोलिस का जलना, नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके बाद हम रखेंगे सिकंदर और पोरस का युद्ध, नंबर 2 पे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे ए नंबर को, नंबर 3। ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर फिलिपिप्स की हत्या। फिर लास्ट में जो आएगा वो हो जाएगा पित्रा त्री पैरी डिसिस की संधि, नंबर 4 पे आ जाएगा। तो ये जो क्रम हम अगर व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्य पूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया, जैसे परिवर्तित कालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हों। तो ऐसा करने वाले थे अगलस सोई, ये हो जाएगा नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था कि प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है। डेमिकस का उस सूची में पहला स्थान है, मेगस्थनीस दूसरे नंबर पर आता है, जबकि अने सिक्रिटस तथा नियारकस उसी प्रकार के अन्य लोग हक लाते हुए कुछ शब्द बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये स्ट्रॉम्बे के द्वारा दी गई है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के 14 शिलालेखों में श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किस शिलालेख को स्थान ना देकर उसके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। सांची के सबसे बड़े स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके द्वारा बना था? तो ये काल था अशोक का, सांची का स्तूप अशोक के काल में बना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया? तो वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने वाला था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महजस रज तिरज देव पुत्रम कैसर कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो इसे आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। देवी उमा का नाम निम्न में से किनके सिक्कों पर अंकित है? तो ये अंकित है कुषाण में, ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नरेश और उसके विरुद्ध दिए गए हैं, इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। गोडोफेरस हो जाएगा देव व्रत से, कनिष्क हो जाएगा देव पुत्र से। इसके बाद प्रवरसेन हो जाएगा धर्मराज से, और समुद्रगुप्त हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर से धर्म प्राचीर बंध से। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पर कार्ली शैलो उत्खात
गुहा खोदी गई थी। तो ये गुहा खोदी गई थी प्रथम शताब्दी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, शायद द्वितीय भी हो सकता है, द्वितीय या प्रथम में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसे अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की प्रथम शताब्दी होगा। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा अधिराज कहा था? तो महाराजा अधिराज कहा था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालिक नरेश और उनके राज्य दिए गए हैं और उन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो धनंजय धनंजय हो जाएंगे नंबर थ्री। कुस्थलपुर और नीलराज हो जाएंगे अवमुक्त से। उग्रसेन को हम करेंगे पालक्य से। और विष्णुगोप हो जाएंगे कांची से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो हम नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन टू इज करेक्ट। सम्राट की आज्ञा ना मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर ना केवल गुप्त रूप से देश से निकालने की बात क्षमा कर दी गई वरन उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया? तो ये स्वागत हुआ था वैनसोंग का। ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपस में सुमेलित करने का क्वेश्चन है। प्रशासक दिए गए हैं और विभाग दिए गए हैं। तो भंडगाराधिकृत ये हो जाएगा नंबर फोर से। कोष से दशा प्राधिक हो जाएगा नंबर सेकंड से। न्याय से फिर महापछलिक ये हो जाएगा नंबर वन से। अभिलेखागार से और फिर है शोकिक राजस्व से। तो इस तरह से आप मैच करेंगे तो हमारा जो आंसर इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अलवर अलवर थे वैष्णव संत। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो इस विहार की स्थापना करने वाले थे धर्मपाल। निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, वन नंबर पे रखेंगे। इसके बाद रखेंगे बैकुंठ पेर माला मंदिर नंबर टू पे। फिर गंगे कौंड चोलपुरम मंदिर नंबर थ्री पे। और सबसे लास्ट में रखेंगे ऐरावतेश्वर मंदिर नंबर फोर पे। फिर से देख लेते हैं। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बैकुंठ पेर माल मंदिर, फिर गंगे कोल कोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर नंबर फोर पे। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों के किन निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे? ये जो गहरे संबंध थे ये इसमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, यानी चोलों से था। एक तो बी हो जाएगा चोलों से, दूसरा पाल से था। तो इस पेपर के हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं एंशियंट के वो सब सॉल्व कर लिए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और कल मैं इसी पेपर का जो मिडविल पार्ट है वो आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं एंशियंट हिस्ट्री के तो यहाँ आपको मैं एक बार शो कर देती हूँ। ये दिया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी पेपर हैं उनकी ये प्लेलिस्ट है। और इसे खोलकर आप ये सारे पेपर्स देख सकते हैं। अभी सीरीज 30 तक हो गया, यानी इसमें 30 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं।
तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।